बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, जो रजत जी कह रहे हैं उसी बात को दोहराऊंगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य में विजय थे। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हाईकोर्ट से निर्णय आया है, ये रजत शर्मा जी या इंडिया टीवी की नहीं, ये पत्रकारिता की जीत है। जिस प्रकार से कांग्रेस को अपनी इमरजेंसी मानसिकता में जीती है पत्रकारों को दबाना, बुली करना, प्राची जी आपके साथ भी तो क्या 14 पार्टियों ने आप पे प्रतिबंध लगाया था, तो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक इस्तेमाल करना, वो भी रजत शर्मा जी जैसे व्यक्ति के खिलाफ जो 40 वर्षों से पत्रकारिता में है, आज तक उनका एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि उन्होंने किसी छोटे से तू तड़ाक से बात की हो। गाली देना तो दूर की बात, तू तड़ाक से भी आज तक मैंने रजत जी को बात करते हुए नहीं देखा है। तो उनके ऊपर ये हमला प्रायोजित था, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग था। और कांग्रेस की मैं इसलिए इसमें पवन खेड़ा और जयराम ने नहीं पर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी नोट की थी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही, मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड मैलिफाइड इंटेंट के साथ था। मेरी शुभकामनाएं रजत को, पर मैं चाहूंगा कि बाकी से भी पत्रकार और समूह है पत्रकारों के, उनको आज निकल कर बोलना चाहिए कि कांग्रेस का जो रवैया है ये एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एंटी मीडिया पर है। आज इंडिया टीवी और रजत शर्मा जी को उन्होंने फाइनल माइन लिया, कोई और दूसरा। एक और बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है शहजाद, वो ये है कि रेपुटेशन पर खतरा था, रेपुटेशन को डैमेज करना चाहती थी कांग्रेस। पूरा देश जानता है रजत जी की इमेज, पूरा देश जानता है उनकी निर्भीक पत्रकारिता के बारे में, निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में, और उसी को खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। देखिए, कांग्रेस ने एक नया रुख अपनाया है कि जहां पर वो तर्क नहीं ला सकती, जहां पर वो आर्गुमेंट नहीं ला सकती, वहां पर वो डैमेज करना चाहती है। तो चाहे चुनाव हो, चुनाव आते हैं तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल, और पत्रकारों की और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल। और इसी श्रृंखला में रजत शर्मा जी एक सूरज की तरह है, उनके सामने इस प्रकार से हरकतें करने से सूरज की रोशनी कम नहीं होगी। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये हमला पत्रकारिता पर है, और इसीलिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आज कहां है। मैं चाहता हूं कि ये पत्रकारों का बिल्कुल शहजाद देखिए।